धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल में धंधा चौपट होने से परेशान महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोरोना काल में काम धंधे चौपट हो जाने और परिवार पर आर्थिक संकट बढ़ने से परेशान एक महिला ने रविवार देर शाम को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोरोना काल में धंधा चौपट होने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। दो बच्चों की पढ़ाई और तीसरे बेटे को भी काम नहीं मिलने पर आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से जूझ रही महिला ने रविवार शाम को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक महिला के पति बलवंत सिंह निवासी गांव कुकरा सैपो ने बताया कि कोरोना काल में उसका धंधा चौपट हो गया था। दो बेटों की पढ़ाई का खर्च और तीसरा बेटा भी बेरोजगार घूम रहा है। परिवार पर कर्ज का भार हो गया था। दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। सैपो कस्बे में साड़ी की दुकान खोलने के लिए किराए पर दुकान देखने आया था, लेकिन इसी दौरान मकान के कमरे में 50 वर्षीय पत्नी राजेश्वरी ने छत में लगे कुंदे से गर्दन में साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो होश उड़ गए। परिजनों ने आनन फानन में महिला को सैपो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन महिला की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने आज सोमवार को मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सोच करने जा रही महिला को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत। सागरपाड़ा धौलपुर के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला अन्य महिलाओं के साथ घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। हादसे को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने महिला को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतका के पुत्र लखन ने बताया कि उसकी मां 75 वर्षीय सरूफी पत्नी बाबूलाल घर से बाहर अन्य महिलाओं के साथ शौच के लिए गई थी, तभी हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह लैटरिंग करने नहीं जा रही थी। कौन? सुबह ट्रैक, मेरी मम्मी सुबह ट्रैक से टकरा गई, जगह भग गया। 6 बजे की बात। क्या नाम है आपका? मेरा लखन है। मम्मी का क्या नाम है? सरूपी है इनका नाम। आपके पिताजी का? राहुल। कहाँ के रहने वाले? सागरपाड़ा। शिक्षा, संस्कार और रोजगार से ही समाज का विकास संभव। विप्र फाउंडेशन, विप्र फाउंडेशन धौलपुर का बाइवा टू विप्र कार्यक्रम आयोजित। किसी भी समाज का विकास उसकी शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर निर्भर करता है, इसलिए हमें अगर सामाजिक उत्थान करना है तो युवाओं की शिक्षा और संस्कार पर ध्यान देना होगा। यह बात विप्र फाउंडेशन जॉन 1D के प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने रविवार को विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा एक निजी मैरिज होम सैपो रोड धौलपुर में आयोजित वाइवा टू विप्र कार्यक्रम में कही। भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन के जिला सचिव अशोक पचौरी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए विप्र फाउंडेशन ने बगैर किसी भेदभाव के सभी समाजों के लिए कार्य किया है और आगे भी इस प्रकार निरंतर करता रहेगा। प्रदेश महामंत्री शांतनु पारासर ने ब्राह्मण समाज का आह्वान किया कि बदलते समय को ध्यान में रखते हुए सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से दूर रहते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने इस दौरान युवाओं के लिए रोजगार को आवश्यक बताते हुए समाज में रोजगार के लिए भी मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।
विप्रो फाउंडेशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि वही ब्राह्मण है जो सभी प्राणियों के सुख और समृद्धि की कामना करता है। ब्राह्मण समाज भर नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक बदलाव के इतिहास में ब्राह्मणों ने सदा ही मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हुए जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। विप्रो फाउंडेशन के अतिथि के रूप में बसेड़ी वीडियो राजेश शर्मा ने कोरोना महामारी की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में विप्रो फाउंडेशन धौलपुर की इकाई ने पुरजोर मेहनत कर लोगों की सेवाएं की थी। गोविंद शर्मा ने कहा कि फाउंडेशन के युवाओं ने मात्र 2 दिन के अंदर 2,70,000 रुपए एकत्रित कर जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई फ्लो मास्क और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण समाज को साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति, धर्म क्षेत्रों में निरंतर महती भूमिका निभाते देश की संपन्नता, समृद्धि और विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर एडवोकेट राजेश पाठक ने समाज और राष्ट्र के विकास तथा युवाओं के उत्थान के लिए कार्य करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन कवि रवि व्यास ने किया। इस मौके पर रामहरि शर्मा, बनवारी शर्मा, अंकित शर्मा, राहुल शर्मा, गिरीश शर्मा, श्री ओम शर्मा, अनु शर्मा, गौरव शर्मा, लकी रावत, नवीन शर्मा, राधा मोहन शर्मा, पुष्पकांत शर्मा, प्रमोद, मोनू तिवारी सहित सैकड़ों विप्रजन उपस्थित रहे। फाउंडेशन धौलपुर के द्वारा 8/13/22 को वाइवा टू विप्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विगत वर्षों की गतिविधियों में हमारे सहयोगी रहे एवं विप्र रत्न एवं विप्र रीट परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले सभी विप्र बंधुओं का सम्मान किया गया। ऐसे आयोजनों के द्वारा आपस में एकता एवं भाईचारे को बल मिलता है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शिक्षा एवं रोजगार पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में पधारे सभी विप्र बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय एवं अपने सुझाव देकर के हमें कृतार्थ किया। एक बार पुनः सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। पीवा टू विप्र वो सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम है जो ब्राह्मण उत्थान के लिए काम करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान हम कैसे कर सकते हैं, जिससे वो ब्राह्मण उत्थान के लिए कार्य करता रहे और उसके मन में ये भावना बनी रहे कि मुझे इसी उद्देश्य से काम करना। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पीआर पक्ष के लोग भी पहुंचे मौके पर। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के रामनगर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही पीहर पक्ष के साथ ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां महिला की मौत के बाद दोनों ही पक्ष महिला के गुपचुप दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों की जानकारी पर सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी ले आई। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि कोलारी थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की रहने वाली अतर देवी पुत्री किशन स्वरूप उम्र 30 वर्ष का विवाह रामनगर गांव के हुकुम सिंह के साथ 10 वर्ष पूर्व हुआ था। महिला के पिता किशन स्वरूप ने बताया कि सोमवार दोपहर उन्हें बेटी की मौत की सूचना मिली, जिस पर सूचना पर पीएर पक्ष के लोग महिला के ससुराल पहुंच गए, जहां दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से महिला के दाह संस्कार का फैसला लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही पक्षों ने कार्रवाई के लिए मना कर दिया, लेकिन संदिग्ध मौत देखते हुए महिला का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में आज एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर महिला के ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष दोनों ही मौजूद थे। दोनों की सहमति से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है मेडिकल बोर्ड से, उसके बाद जैसी परिस्थिति, जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तराहा धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। कारोबार
भी मजबूत रखा। सुरक्षा की जब बात हो मजबूती जिसकी साथ मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें मजबूती में ज्यादा सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाली गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। कामकाजी महिलाओं के बच्चे अधिक आत्मनिर्भर और शिक्षित होते हैं। विनीता जायसवाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड तथा लुपिन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वसई नवाब क्षेत्र के गांव मालोनी पवार में आज सोमवार को 15 दिवसीय गैर आवासीय फल संरक्षण एवं आचार मुरब्बा व मंगोड़ी निर्माण प्रशिक्षण का समापन किया गया, जिसमें 30 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण में सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड वसई नवाब से जुड़ी स्वयं सामूहिक सहायता समूह की 30 महिलाओं को फल संरक्षण एवं अचार मुरब्बा व मंगोड़ी निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की पत्नी विनीता जायसवाल ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे अधिक आत्मनिर्भर और शिक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे को आरंभिक शिक्षा परिवार और माता पिता के द्वारा ही दी जाती है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सामाजिक सरकारों से जुड़े किए जाने वाले कार्यों के लिए लुपिन फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था के इस तरह के प्रयासों से जिले को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड वसई नवाब की अध्यक्ष मधु परमार ने कहा कि नाबार्ड एवं लुपिन फाउंडेशन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए तरीके से प्रोडक्ट बनाकर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्य विशेषज्ञ विनोद कुमार शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक वसई नवाब के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार, ग्राम पंचायत मालोनी पवार के सरपंच राधे श्याम सिंह, जगदीश परमार, मुकेश परमार, विनोद राजपूत, देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सोबरन सिंह गलेथा ने थामा भाजपा का दामन। विधानसभा राजाखेड़ा से वर्ष 2013 में बसपा के प्रत्याशी रहे सोबरन सिंह गलेथा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता मोतीलाल मीणा व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने गलेथा को सदस्यता दिलाई। मीणा ने कहा कि संघ के पुराने साथी को भाजपा में शामिल कराकर अत्यंत खुशी हुई है। जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि शिकरवार के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। गलेथा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे मुझे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करीब 5000 कार्यकर्ताओं के साथ मुरैना उपचुनाव में ही पार्टी ज्वाइन करा दी थी, लेकिन आज मैंने पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार आजीवन स्थायी सदस्यता ले ली है। साथ ही कहा कि निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। आपको बता दें कि गलेथा लंबे समय से संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के भरतपुर विभाग सह संयोजक भी है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली, कमल पहाड़िया, रामकेश मीणा, मुकेश सक्सेना, भूपेंद्र घुरैया, जयवीर पोसवाल, शिवशंकर परिहार, शिवम रजावत, सत्येंद्र पारासर, नंदकिशोर शुक्ला, मनीष तोमर सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंडौन सिटी में ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में धौलपुर जिले के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा ने की शिरकत। नेहरू बीएड कॉलेज हिंडौन सिटी में रविवार को ब्राह्मण समाज की ओर से संभाग स्तरीय होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एचडी शर्मा रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि धौलपुर जिले के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्वी राजस्थान में राजनीति के क्षेत्र में ब्राह्मणों की कमजोर स्थिति को मजबूत बनाना है,
कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला पहनाकर भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा के पुत्र और भाजपा नेता अशोक शर्मा ने कहा कि इस समय समाज को एक दूसरे की जरूरत है, जिससे कि अलग अलग मोती एक माला का रूप लेकर समाज को प्रगति के राह पर ले जाएंगे। वहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हर व्यक्ति की मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से ही समाज में समानता की नींव रखी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी राजनीति के हिसाब से प्रदेश में राजनीति का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि समाज का विकास होगा। भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर की कार्यकारिणी का किया विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अलका मधुरा के निर्देशानुसार एवं धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की सहमति से महिला मोर्चा धौलपुर की जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग गोस्वामी द्वारा महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें उमा सिंह रानू त्यागी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजकुमारी लवानिया को जिला मंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला मंत्री दया दुबे, आईटी जिला सह संयोजक श्रेया राणा, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री कल्पना शर्मा, नीतू यादव, कोषाध्यक्ष कमलेश सैन, मीडिया प्रभारी दीप्ति पाठक, पूजा सक्सेना, स्वाति शर्मा आदि मौजूद रही। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1,00,000 रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट गल्ला मंडी के बगल में जीटी रोड बस स्टैंड धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। इग्नू के उप कुलपति बनने पर डॉक्टर मनरूप मीना का किया नागरिक अभिनंदन। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के उप कुलपति मनोनीत होने पर मनरूप सिंह मीणा का नागरिक अभिवंदन किया गया। इस दौरान लोगों ने उप कुलपति बनने पर मनरूप सिंह मीणा का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मोतीलाल मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, उपभोक्ता मंच के पूर्व जज अशोक सक्सेना, केशव दास महाराज, राम निवास, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना, भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, मुकेश सक्सेना, अभिनव सिंह आदि उपस्थित रहे। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने दिया कुलपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा एमकॉम के छात्रों के जारी किए गए परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसे लेकर ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति के नाम जिला अतिरिक्त कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को आज सोमवार को ज्ञापन दिया। नगर मंत्री धीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 10 मार्च 2022 को एमकॉम के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें 95% छात्रों का परिणाम संतोषजनक नहीं है। 59 छात्रों में से 48 को फेल कर दिया गया है। कुछ छात्रों के प्राप्तांक भी शून्य है। ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है और ऐसे में इस तरह के मिलने वाले प्राप्तांक से वे नाखुश हैं। कई छात्र मानसिक रूप से तनाव में हैं। ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि 5 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं की कॉपियों की पुनः जांच की जावे और उनके परिणाम को संशोधित कर दोबारा जारी किया जावे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर छात्रों के साथ विश्वविद्यालय की ओर कूच करेगी। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रमुख अभिनव सिंह,
नगर मंत्री धीरेंद्र कुशवाहा, पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष राहुल गुर्जर, पिंकी अग्रवाल, नेहा गोयल, रश्मि शर्मा, तान्या माथुर, शिवानी चौबे, रश्मि शर्मा, जूली सिंगल, दिशा उपाध्याय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम शिवानी चौबे है। 10 मार्च को हमारा रिजल्ट आया, बहुत ज़्यादा बेकार आया। 60 में से 50 बच्चे पास किए हैं, और जो भी पास किए उनके लिए मार्क्स कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो यूनिवर्सिटी से सिर्फ यही है, एक बार दोबारा कॉपी वगैरह चेक कर ले और रिजल्ट दोबारा। यस, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय कुलपति को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये विषय बताया गया है कि 10 मार्च को एमकॉम के स्टूडेंटों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें कि 60 में से लगभग 50 बच्चों को फेल कर दिया गया है। माने ये दिखाता है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, कॉपियों किस तरीके से ठेके पर कॉपियों को चेक करवा रहा है। विद्यार्थी परिषद इसका खंडन करती है, आज छात्रों के साथ मिलकर के ज्ञापन दिया है, 5 दिन का समय भी दिया है। अगर जल्दी इस मामले में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के खुद आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन की होगी। यूनिवर्सिटी ने जो हमारा रिजल्ट दिया है इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। काफ़ी बच्चे 60 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 50 बच्चे फेल हुए हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी का भी कुछ दोष है, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिजल्ट को री डिक्लेयर किया जाए या री चेकिंग और री अप्रूव किया जाए। अल्पसंख्यक विकास समिति ने किया राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का स्वागत। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर के जावेद बेग ने बताया कि धौलपुर जिले के लोकप्रिय एवं राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह तथा राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को हार व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बेग ने बताया कि इनके प्रयास से ही इसी बजट सत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास का बजट आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट आवंटन कर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का धौलपुर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास का सपना पूरा किया है, जिससे धौलपुर जिले के मुस्लिम समाज में हर्ष है। इस मौके पर अध्यक्ष शाहजाद जलमानी, उपाध्यक्ष अनवर अहमद, सचिव हाजी अजमेरी उस्मानी, जावेद बेग, रईस फारूकी, हामिद अली, आसिफ उस्मानी, राशिद बेग, निसार उस्मानी, नौशाद खान आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम अल्पसंख्यक विकास समिति के सारे सदस्य और मुस्लिम सभी समाज के लोग हम उनका धन्यवाद देने के लिए आए, रोहित बोहरा जी का, तो उन्होंने अल्पसंख्यक के लोगों के लिए एक हॉस्टल की घोषणा की। और हाँ, और हमारे जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर उर्दू टीचर नहीं थे, तो उनकी अनुशंसा पर उर्दू टीचर लगाए गए। हम उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे हमने भविष्य में भी हमें आपसे सहयोग मिलता रहे। आज बड़ी खुशी का मौका है, जनाब रोहित बोहरा विधायक राजाखेड़ा के प्रयासों से धौलपुर में अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के लिए हॉस्टल की घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों के लोग उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। इससे पूर्व माननीय प्रद्युमन सिंह जी अध्यक्ष राज्य आयोग का स्वागत किया सभी समाज के द्वारा और उनका धन्यवाद किया। बसेड़ी थाने में हुई सीएलजी की बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। बसेड़ी थाना परिसर में रविवार को सीएलजी की बैठक सीओ सरमथुरा राजेश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। बैठक में सीओ राजेश चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में होने वाले अपराध व अपराधियों की सूचना समय पर पुलिस को दे, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवाने की अपील की है। बैठक में सदस्यों ने कहा कि वयाना मार्ग पर कोटरा के समीप राजकीय महाविद्यालय संचालित है, जो बसेड़ी से काफी दूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ हरकतें की गई, जिसको लेकर पिपरोन के समीप पुलिस चौकी शुरू करवाने की मांग की है, जिस पर सीओ ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव बनवा कर भिजवा दिया गया है, शीघ्र ही चौकी शुरू की जाएगी। इसके अलावा बैठक में होली के त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री व जुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर सीओ ने थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए उचित कार्यवाही करने को कहा। इस दौरान बैठक में रिटायर्ड एसडीएम ब्रजेंद्र ओसवाल, हैदर खां, सुलेमान खां,
कैलाश चंद्र गोयल, एडवोकेट बनवारी पारसर, पूर्व सरपंच दिलीप गुर्जर, विनोद कुमार, गोपाल दास गर्ग, रमेश चंद्र गंगाराम, कल्लू खां आदि उपस्थित रहे। मैं आज सीएलजी और ग्रामीण और व्यापारियों की मीटिंग ली गई आने वाले होली के टाइम में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एवं कोई असामाजिक गतिविधि ना हो, इस संबंध में सभी से सुझाव लिए गए और उचित दिशा निर्देश दिए गए। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG वह त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर, कॉलोनी धौलपुर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। होली के त्योहार को लेकर नादनपुर थाने पर हुई CLG की बैठक। पुलिस थाना नादनपुर पर रविवार को CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन DSP राजेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान CLG सदस्य एवं इलाके के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के अवसर पर DSP राजेश चौधरी ने नादनपुर थाना अधिकारी राम अवतार वैरवा एवं CLG सदस्यों से बातचीत की एवं होली के त्योहार को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही होली के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने व लड़ाई झगड़ा न करने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर उत्पात मचाने वाले लोगों की पुलिस को सूचना दें। बैठक में CLG सदस्य पूर्व सरपंच धौर लल्लू सिंह परमार ने थाना इलाके में होली के दिन गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की मांग की। धौर के सरपंच संतोष सिंह परमार ने होली के दिन धोबी की तिवरिया पर हरजूपुरा मोड़ पर पुलिस के जवानों की तैनाती करने का बैठक में मुद्दा उठाया, जिससे होली के दिन शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं अन्य CLG सदस्यों ने नादनपुर थाना अधिकारी राम अवतार वैरवा के द्वारा क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर उनकी तारीफ की। बैठक में CLG सदस्य ताजपुरा सरपंच प्रतिनिधि मलखान सिंह गुर्जर, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, धौर्य सरपंच संतोष सिंह परमार, भरत सिंह गुर्जर, बबलू दिवाकर, समाज सेवी मुकेश वंशल, हाकिम खान, मगन सिंह गुर्जर, रामनिवास गुर्जर सहित थाने का स्टाफ उपस्थित रहा। आज थाना नादनपुर में CLG की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में आने वाले होली के त्यौहार को लेकर सभी जाति धर्म और लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए होली का त्यौहार अच्छे ढंग से बनाने के लिए समझाइश की गई और इन्हें बताया गया कि नादनपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की उचित गश्त निगरानी समस्त रहेगी और किसी प्रकार का कोई भी अवैध कार्रवाई उस दौरान होती है, संबंध में थाना इंचार्ज साहब को निर्देश दिए गए। बीट में सभी कांस्टेबल्स और सभी को उचित निर्देश दिए गए कि होली पूर्ण सौहार्द तरीके से और शांतिपूर्वक बने। सर, कुछ सदस्यों ने जो धोबी की तिवरिया का नाका है उस पर कुछ पुलिस जाब्ता लगाने की बात कही है। हाँ, धोबी की तिवरिया पर बताया है कि उस समय वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ रह जाती है, तो उसके लिए इंचार्ज साहब को एक स्टैटिक पॉइंट बनाते हुए जाब्ता वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। सर, पूरे मीटिंग के अंदर एक शराब का मुद्दा छाया रहा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, शराब के लिए बताया गया होली के दिन अधिकांश लोग शराब पीकर वाहन चलाना और इस तरह से घूमते हैं, तो निर्देशित कर दिया गया इंचार्ज साहब को सभी बीट कॉन्स्टेबल्स और उस समय गश्त प्रभावी रूप से रहेगी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। जनहानि को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की महती आवश्यकता। रोहिल सरीन।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन पर मिशन जीवन रक्षक में जिले के 11 स्कूलों में सोमवार को अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसेना में शिविर का शुभारंभ करते हुए रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। जिले के स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को मिशन जीवन रक्षक के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानाचार्य नरेश जैन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं के माध्यम से प्राथमिक उपचार को घर घर पहुंचाकर जनहानि रोकने की अनूठी पहल है। सरपंच यादव सिंह ने कहा कि प्राथमिक उपचार को बालिकाओं के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण एक सराहनीय कार्य है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन जीवन रक्षक के तहत जिले के 11 स्कूलों भैसेना विरोधा करीमपुर बिपरपुर तगावली सरानीखेड़ा कासिमपुर बसई सामंता महाराजपुरा फिरोजपुर विद्यालयों की 1100 से अधिक बालिकाओं एवं प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविरों में दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर अनिल त्यागी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा डॉक्टर मंजू मीणा डॉक्टर गोपाली गोस्वामी डॉक्टर राजवीर शर्मा डॉक्टर रमाकांत शर्मा डॉक्टर अनिल झा डॉक्टर तारावती सैनी डॉक्टर गोविंद मंगल डॉक्टर मोहन शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी में विदाई समारोह व ऑटोग्राफ सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित। प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी का विद्यार्थियों ने किया आभार व्यक्त। किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इससे पहले ऑटोग्राफ सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने अपने सभी साथियों का अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए सुहानी यादों के रूप में संजोने के लिए सभी ने अपनी शर्ट पर अपने सभी साथियों के साथ साथ अपने प्रिंसिपल मैम डॉक्टर साहिल त्रिवेदी स्कूल डायरेक्टर सुनील मित्तल के साथ अन्य लगभग सभी प्रिय गुरुजनों के ऑटोग्राफ लिए। साथ ही एक दूसरे के हमेशा संपर्क में बने रहने जिंदगी भर सभी के सुख दुख में साथ देने के वायदे के साथ सभी विद्यार्थियों ने आपस में एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाए। स्कूल डायरेक्टर सुनील मित्तल और सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी का स्कूल में इतने शानदार कार्यक्रम की संकल्पना और आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। भाजपा युवा मोर्चा के वसई नवाब मंडल अध्यक्ष का गांव में किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शास्त्र नगर गांव निवासी विपिन मुद्गल को वसई नवाब मंडल का मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिस पर विपिन मुद्गल का अपने गांव सासनगर में युवा साथियों बुजुर्गों एवं ग्रामवासियों के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही गांव में रैली निकालकर हर्ष व्यक्त किया गया। इस दौरान वसई नवाब मंडल अध्यक्ष विपिन मुद्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव लगातार प्रयासरत रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर सदैव खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर राम सहाय शर्मा अनिल शर्मा मनीष राजपूत मुकेश कुशवाहा जीते कुशवाहा वार्ड पंच शैलू शर्मा भरत शर्मा मोनू शर्मा भानु शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। इस दायित्व को मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा एवं भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च बनाने का। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी, हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमोंट रेडिसन रमाडा ताज ग्रुप इंडाला पैलेस द ललित होटल गोल्डन ट्यूलिप ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारी अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट लवानिया मैरिज होम सैपऊ रोड धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत।
हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के स्टच, सादा और एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टेयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। हांसीबाड़ी के सरकारी विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसीबाड़ी में वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन 2022 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता लहोरी देवी मीना ग्राम पंचायत सरोठी के द्वारा की गई। सरपंच द्वारा विद्यालय में आगामी सत्र से विज्ञान संकाय लाने की एवं शारदे छात्रावास में हैंडपंप लगाने की अतुलनीय घोषणा की गई। मंच संचालन लाखन सिंह मीना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामनिवास मीना, जगन्नाथ मीना, लाखन सिंह मीना, वीरेंद्र सिंह, मनीष बाबू, राम कुमार, अनीता, ललित सोनी, रघुनंदन, अयुब खान, रशीद, नवरतन लाल, अर्जुन कुमार, गुड्डी मीना, निर्मेश मीना, मनोज मीना, फूल सिंह मीना एवं सरपंच प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। सलेमपुर स्कूल बसेड़ी में वार्षिक उत्सव में बच्चों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर बसेड़ी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंगल रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य किरोड़ीलाल मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि सलेमपुर सरपंच बैजनाथ परमार रहे। कार्यक्रम में गांव के भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रस्तुति दी। बच्चों की प्रतिभाओं को देख अतिथियों ने छात्र छात्राओं की प्रशंसा की। इस मौके पर सुभाष, रविंद्र, पंकज, अशोक शर्मा, निरंजन, हेमजीत, हरगोविंद, गौरव शर्मा, जितेंद्र, सोबरन सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सट्टे की खाईवाली करते तीन जने गिरफ्तार। बोलेरो व सट्टा उपकरण जब्त, 4,890 रुपए बरामद। बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा सट्टे की खाईवाली करते तीन जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गांव आगपुरा के पास एक बेलोरो गाड़ी में तीन लोग बैठे हुए थे, जो फोन के द्वारा सट्टा लगाने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जांच की तो तीनों आरोपी सट्टे की खाईवाली कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने तीनों आरोपी रविंद्र सिंह पुत्र राम प्रकाश ठाकुर उम्र 37 साल निवासी सलेमपुर, सूरज पुत्र अरुण कुमार ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी सलेमपुर व भारत सिंह पुत्र जनक सिंह ठाकुर उम्र 40 साल निवासी सलेमपुर थाना बसेड़ी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनसे 4,890 रुपए की राशि बरामद की है। पुलिस ने मौके से सट्टे के उपकरण सहित वेलोरो को भी जब्त किया है। साधु संतों के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल को निकलेगी रामनवमी शोभा यात्रा। आगामी 10 अप्रैल रामनवमी को धौलपुर शहर में भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को दिव्य बनाने के लिए धौलपुर के सभी साधु संतों का आह्वान किया जाएगा। रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर गंगाबाई की बगीची धौलपुर में महंत हनुमान दास के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ महेश राजावत पार्षद, राम कुमार शर्मा वसुंधरा टीम जिला अध्यक्ष व विश्वजीत राणा द्वारा भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। महंत हनुमान दास जी महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली शोभा यात्रा है जो कि बहुत धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सहयोग के रूप में महंत हनुमान दास जी महाराज द्वारा 11,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक साथ लेकर 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी भव्य शोभा यात्रा को आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आज इस बैठक में शोभा यात्रा की रूट को लेकर और शोभा यात्रा में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, इन चीजों को लेकर चर्चा हुई है। आगे आगामी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी एक बैठक और की जाएगी, उसके बाद रूट वगैरह सभी निर्धारित किए जाएंगे। 10 अप्रैल को एक बार धौलपुर फिर भगवा में होगा। सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म के सनातन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि 10 अप्रैल को अधिकता में पहुंचे और अपने यार दोस्तों को सभी को लेकर आए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
घनकापुरा स्कूल राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न। राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घनकापुरा में वार्षिक उत्सव व भामाशाह एलुमनाई मीट सम्मान समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाजना पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि वीरन सिंह निषाद रहे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर होतम सिंह निषाद व बादम सिंह वरिष्ठ अध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं व भामाशाहों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कराटे चैंपियन की टीम धौलपुर से कुरुक्षेत्र के लिए हुई रवाना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन में महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के धौलपुर की टीम कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुई है। खेल बोर्ड सचिव देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि टीम कोच रमा शर्मा और टीम मैनेजर पुनीत मित्तल के साथ गर्ल्स एवं बॉयज टीम रवाना हुई है। टीम में मनोज शर्मा, दर्शन भगेला, नेहा कुशवाहा, गार्गी शर्मा, जामुनी, अंशु, दया सेन, सिमरन चौधरी, साहिल शर्मा, जगत शर्मा, यश आदि खिलाड़ी शामिल हैं। शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव, उप प्रधान दुष्यंत बघेल। पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत हाजीपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सैपो के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि सीवीईओ कृष्णा कुमारी सैपो, मनरूप अध्यापक, सरपंच हाजीपुर, वेद प्रकाश कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा रहे। संचालन शिवकांत शर्मा ने किया। सभी अतिथि गणों का माला व साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। उप प्रधान बघेल ने कहा कि छात्र अपने गुरुजनों का सम्मान करना न भूले, साथ ही सभी अपने क्षेत्र में अपना सर्वस्व नौछावर कर पढ़ाई पर ध्यान दे। इस दौरान रामवीर परमार, कैलाशी बघेल, प्रियंका शर्मा अध्यापिका, हरेंद्र, देवेंद्र बघेल, हरिबाबू, नरेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर आयोजित। भामाशाह आरती शर्मा एवं अजमेर ऑप्टिकल के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजोली बाड़ी में निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पी एन गोस्वामी एवं सहायक नेत्र विशेषज्ञ दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा विद्यार्थियों एवं ग्रामवासियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय की प्रधानाचार्य विमला महावर ने की। भामाशाह आरती शर्मा एवं दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि हमारी काफी दिनों से यह इच्छा थी कि ग्रामीण इलाकों के बच्चे और लोगों के लिए एक इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाए, जिसमें गरीब एवं जरूरतमंदों की सहायता की जाए एवं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण के साथ दवाइयों एवं चश्मों का वितरण किया जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विद्यालय की प्रधानाचार्य बिमला महावर ने इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाहों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन अनुपम शर्मा ने किया। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 400 चश्मों का वितरण किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।